27 जुलाई 2015 तब से मैं बीमार था। बुखार हुआ, बुखार के बाद बस वही मैं लोकल हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। उसके बाद वहाँ से मरीज की स्थिति खराब हुई, उन्होंने डेंगू डेंगू का इलाज करके फिर वो भेज दिया हमें एम जाने के बाद। फिर वो कैंसर साबित किया, बोले जो कैंसर है आपको, बायोप्सी के लिए बस वो अंदर से टिश्यू काट के और भेज दिए उसमें चेकअप के लिए। फिर वहाँ से रिपोर्ट आया, उसमें कैंसर आया नहीं। एवं प्रकार वो हर महीने एक बार करके 6 महीने लगाती है, वो 5 बार बायोप्सी की हो लेकिन कैंसर आया नहीं। बार बार यही कहते रहे कि कैंसर है कैंसर है, लेकिन उनसे बीमारी जब नहीं ठीक हुआ तो मैंने फिर आपके पास आया और आपने मुझे तसल्ली दिया जब कैंसर नहीं है, इसका इलाज मैं करूँगा, ठीक है। और आपने पूरी तरीके से सारे पेपर्स को देखा और इसके बाद आपने फिर डिसाइड किया जो हाँ मैं देखूँगा इसको। टाइम लगेगा इतना, केस तुम्हारा ज़्यादा ख़राब हो चुका है। फिर हमने भरोसा करके उसको करवाया और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परिवार के साथ अपना एंजॉय कर रहा हूँ, कमा रहा हूँ, ऑटो चला रहा हूँ और खुश हूँ, दो बच्चे के लिए काम कर रहा हूँ। और अब तो मुझे ये भी नहीं लग रहा है कि हाँ नीचे से मेरा ऑपरेशन भी हुआ था, इतना मैं कहीं भी, मैं तो एक छोटा छोटा पतला पाइप पे भी मैं बैठ सकता हूँ, जो कि मैं सीट पे बैठने के लायक नहीं था। लेट करके आता था गाड़ी में, मैं सो के आता था, सो के जाता था। तब से आज की स्थिति है, वजन मेरा 40-42 किलो हो गया था शरीर का, आज के मैं वो वजन क्या हो, 68 किलो है मेरा वजन आज कितना शरीर टाइम हो का। गया ट्रीटमेंट खत्म हुए? ट्रीटमेंट खत्म हुआ कितना हुआ, मतलब 7-8 महीने से, 7-8 महीने हो गया हो लास्ट ऑपरेशन का, 7-8 महीना हो गया। लास्ट ऑपरेशन दिसंबर में हुआ था। दिसंबर में हुआ था, हाँ तो 6 महीना हो गया हुआ। दोबारा मैं मम्मी को लेके आया था फरवरी में, हाँ मम्मी को ठीक होने के बाद में, दिसंबर में क्योंकि ऑपरेशन। मैं मंदिर में गया था कालका जी माता के दर्शन करने, ठीक होने के बाद उनको प्रसाद सब चढ़ाने जाते हैं आगे। जो वो खाली बस ये है कोलेस्ट्रॉल में जो है वो जो आंत बाहर है वो बस अंदर हो जाए तो यही है। वो तो डॉक्टर आनंद फानंद ने कर दिया इसकी, यदि पहले मैं आपके पास आया था तो लगता है वो बच जाता है मेरा, लेकिन वही है।